गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग कोविड में अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से जो है कर रहे होंगे। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं, ये जो टॉपिक है, ये सीरीज मैंने स्टार्ट करी है। मेरा नाम सुमितेश है, ठीक है। तो इस टेस्ट सीरीज़ में, जो भी हमारी मेंस की टेस्ट सीरीज़ है, उसके लिए मैंने यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव जो है अंडरस्टैंडिंग टॉपिक वाइज कैसे आंसर लिखा जाए उसको स्टार्ट करा है। तो आज का जो पहला टॉपिक है हमारा, वो है ज्योग्राफी पार्ट वन मेंस आंसर राइटिंग, ठीक है। ये GS1 का पार्ट है। जैसा आपको पता होगा कि GS1 में बहुत सारे टॉपिक होते हैं, आपके एंशंट इंडिया, आपके जो एंशंट हिस्ट्री होता है, मॉडर्न इंडिया होता है, सोसाइटी होता है, वर्ल्ड हिस्ट्री होता है आपका, ठीक है, आपका कम्युनलिज्म रीजनलिज्म होता है, एंड आपका जो ज्योग्राफी होता है। तो मैंने जो सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक इसमें लोगों को लगता है, और जिसमें भी रिसेंट ट्रेंड देखा गया है, जो मैंने भी 2 इंटरव्यू दे रखे हैं, तो उसमें देखा गया है कि जो ज्योग्राफी में जो मार्क्स आ रहे हैं GS पेपर में, वो लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं कम आ रहे हैं। तो उसी के रिगार्डिंग मैंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट करा है, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करते हैं ज्योग्राफी के बारे में। तो पहले एक बार थोड़ा GS1 का फ्रेमवर्क समझ लेते हैं, कैसे क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जो आपका जो लगभग 2 क्वेश्चंस होते हैं, वो आपके होते हैं, इसका जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से है, 1-3-3-3 एंड 1-3-3-3, जो ये रहते हैं 10 मार्कर्स के रहते हैं और ये 15 मार्कर्स के रहते हैं। ये 2 क्वेश्चन आपको एंशंट से मिलेंगे, ठीक है, और ये आपको 6 क्वेश्चन जो है मॉडर्न से मिलेंगे लगभग। आपको जो 3 क्वेश्चन जो हैं, सॉरी 6 क्वेश्चन आपको सोसाइटी रिलेटेड एस्पेक्ट से मिलेंगे, और आपको अदर 6 क्वेश्चन जो मिलेंगे वो आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड मिलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इसमें इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। अब हम आ जाते हैं अपने ज्योग्राफी के सेक्शन में। तो फ्रेंड्स, जब भी आप ज्योग्राफी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें ना, तो आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक होती है आपकी फिजिकल ज्योग्राफी, एक होती है ह्यूमन ज्योग्राफी। हालांकि GS1 पेपर वन में यही कवर करा जाता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो आपको इन्वायरमेंट भी पढ़ना होता है साथ में, और एग्रीकल्चर भी पढ़ना होता है, क्योंकि ये चारों टॉपिक जो है ना, ये इंटीग्रेटेड वे में जो है कवर कर दे जाने चाहिए, अगर आपको मार्क मेंस में अच्छे मार्क्स चाहिए। क्योंकि आपको जैसे पता होगा, अगर हम ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें, तो जैसे साउथ में डिफरेंट कल्चर होता है, कल्चरल ज्योग्राफी रहती है, डेमोग्राफी डिवाइडेंट होता है, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि जैसे एग्रीकल्चर में जब हम शुगर केन की बात करते हैं, और इधर में अगर कोऑपरेटिव्स की बात करूँ, तो ये दोनों टॉपिक सिंक होते हैं। क्यों सिंक होते हैं? कि जैसे जो ह्यूमन ज्योग्राफी में साउथ में जैसे शुगर केन होता है, तो शुगर केन इसीलिए सक्सेसफुल है वहाँ पे, क्योंकि कोऑपरेटिव्स हैं। तो ये एक ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट आ जाता है, ठीक है। तो चलिए, ये आपको इसी तरीके से अंडरस्टैंड करना है, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट एंड एग्रीकल्चर, आपको एक साथ पढ़ना है। क्योंकि जो फिजिकल ज्योग्राफी में चेंजेस हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे रिलेटेड है एनवायरनमेंट से, एनवायरनमेंट के जो डिफरेंट ट्रीटीज हैं, जैसे मैं आगे बताऊंगा कि कंक्लूजन में आपको क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में जैसे फिजिकल ज्योग्राफी, आपको पता होगा कि ये थोड़ा टेक्निकल होता है फिजिकल ज्योग्राफी। इसमें आपको जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स आ जाता है, क्लाइमेटोलॉजी आ जाती है, ओशनग्राफी आ जाती है, ठीक है। तो आपको इसमें जो इंट्रो स्टार्ट करना है, वो आप किसी थ्योरी से स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है कि मतलब जो वोल्केनिक कितने बनते हैं, ठीक है, माउंटेन्स रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, तो आप उसमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर ऐसे ही आप डेफिनेशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज अगर जैसे लैंडस्लाइड पे क्वेश्चन आ रहा है, तो आप लैंडस्लाइड की डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी पे। ह्यूमन ज्योग्राफी में बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, कल्चरल एस्पेक्ट्स होता है, जैसे डिफरेंट ट्राइब्स होती हैं, उनका कल्चर कैसा है, साउथ में ट्राइब क्या चीज़ों की उनके ट्रेडिशंस हैं, वो सब हो गया। दूसरा, ह्यूमन ज्योग्राफी में कैसे सेटलमेंट होता है, कैसे जो डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं वो सेटल होती हैं अक्रॉस द ग्लोब, वो सब आ जाता है। तो इसमें क्या है, जैसे जनरल डिस्ट्रीब्यूशन, लाइक मैंने बताया कि जैसे इक्वलिटी है उनके एजुकेशन में, तो वो ये एक ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट हो जाता है। हालांकि इक्वलिटी थोड़ा ये GS2 का आ जाता है, लेकिन एक एग्जांपल के लिए ले लिया है यहाँ पे, ठीक है। फिर इसमें जैसे रिपोर्ट्स आ जाती हैं, NSSO के सर्वे आ जाते हैं बहुत सारे, जैसे NSSO हमारा सोशियो इंडस्ट्री का भी सर्वे करता है कुछ कुछ, हालांकि अब तो ये मर्ज हो चुका है, ठीक है, गवर्नमेंट ने इसको मर्ज कर दिया है, ये अब रहा नहीं, लेकिन वो जब आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन अभी आप NSSO सर्वे को जो है कोट कर सकते हैं अपने आंसर्स में, तो उसकी सर्वे रहते हैं कि किस इंडस्ट्री में कौन किस कौन से नंबर पे है, ठीक है। तो ये सब रहता है, लेकिन मैंने जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं बात करूँ, तो इंट्रो को आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक चीज़ ये है कि जो आपका इंट्रो रहेगा ना, इंट्रो आपका जो 3 लाइन्स से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ये मैक्सिमम 3 लाइन्स का होना चाहिए। एक में आपकी डेफिनेशन आ सकती है, दूसरे में
आपकी जो है फर्स्ट लाइन में डेफिनेशन आ सकती है, दूसरे में आप कोई फैक्ट देना चाहते हैं वो आ सकता है, और थर्ड लाइन में आप फॉलोइंग करके कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। तो 3 लाइन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए इंट्रो, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं बॉडी पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो बॉडी पे जैसे आपको पता रहता है कि बॉडी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, आगे मैंने एग्जांपल्स भी लिए हैं जिसके थ्रू आपको मैं समझाऊंगा कि बॉडी में किस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। तो वो देखते हैं, बॉडी में आपको डिस्कस करना होता है कोर कॉन्सेप्ट। सपोज मैं पहले वाले एग्जांपल लेता हूँ कि आपको जैसे अगर वोल्केनिज्म के बारे में पूछा गया तो आप उसमें प्लेट टेक्टोनिक्स दे रहे हैं, तो आप उसमें क्या करेंगे, आप उसमें इस तरीके से प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी का बताएंगे कैसे कन्वेंशनल करंट जो है वो होते हैं, ठीक है, कैसे स्प्रेडिंग होती है सी की, तो आप उन सब चीज़ों के बारे में उसमें लिखेंगे, ठीक है। तो आप इस तरीके का एक डायग्राम जो है ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में जितने भी दिए हैं वो आपको कवर करने हैं। ज्योग्राफी का आंसर जो है कम्प्लीट नहीं है विदाउट डायग्राम, ठीक है। तो आपको डायग्राम लिखने हैं, ठीक है। फिर आप आ जाते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में। ह्यूमन ज्योग्राफी में आपको कैसे करना है, जैसे कोई स्टेटस दिया गया है सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, तो वो लेना होता है। जैसे ह्यूमन ज्योग्राफी का सबसे इम्पॉर्टेंट आपने देखा होगा एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो रहता है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आपने पढ़ा होगा। तो इसमें जैसे रहता है कि बर्थ होता है, फिर डेथ होता है, फिर धीरे धीरे दोनों कम हो जाते हैं, तो उससे क्या रहता है कि स्टेबलाइजेशन की कंडीशन आ जाती है। तो वो ग्राफ जो आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको याद रख लीजिए। इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो आपको ह्यूमन ज्योग्राफी में कोट करनी होंगी, ठीक है। अब इसमें क्या क्या रिपोर्ट्स भी दी जा सकते हैं, रिपोर्ट्स के बारे में पहले मैंने बताया। जैसे इंट्रो में तो आप केवल रिपोर्ट लिख दीजिए और ब्रैकेट में रिपोर्ट दे दीजिए कि कुछ भी एनएसएसओ सर्वे या कुछ भी ऐसा, ठीक है, या कुछ भी रंगनाथन कम्युनिटी या, ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप रिपोर्ट दे रहे हैं तो थोड़ा उसका एनालिटिकल पर्सपेक्टिव आपको दिखाना होगा। अब आ जाते हैं डायग्राम्स के बारे में। देखिए ज्योग्राफी में जो है ना, ज्योग्राफी में डायग्राम जो है बहुत पार्ट प्ले करता है, मतलब ये आपका 50% मार्क्स देते हैं ज्योग्राफी के। आपको 2 डायग्राम्स तो बनाने हैं 10 मार्कर्स के लिए, एंड फॉर 15 मार्कर्स के लिए आपको 3 डायग्राम बनाने हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान देखिए, हालांकि ये पहले का है तो पहले एक चल जाता था, लेकिन अभी आपको क्रिएटिव तरीके से, इनोवेटिव तरीके से 3-4 डायग्राम जो इंक्लूड करने हैं ज्योग्राफी के सेक्शन में, ठीक है। और उसकी प्रॉपर लेबलिंग और शेडिंग करनी होगी, ये मैं अभी आगे आपको बताऊँगा कैसे करनी है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग कंक्लूजन पे। कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है, क्योंकि कोई भी एग्जामिनर चाहे कुछ पढ़े ना पढ़े, लेकिन वो कंक्लूजन जो है ज़रूर पढ़ता है, ठीक है। तो आपका कंक्लूजन जो आपको हाफ एन मार्क्स जो एक्स्ट्रा दिला सकता है। कंक्लूजन में क्या करना है, कंक्लूजन में आप जो है किसी रिपोर्ट के थ्रू कंक्लूड कर सकते हैं, कोई रीसेंट एग्रीमेंट हुआ है, पॉलिसीज हुआ है, ठीक है, वो लिख सकते हैं, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग को भी, क्लाइमेट एग्रीमेंट, कुछ भी साइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आप जो है कर सकते हैं कंक्लूजन में, ऑल गवर्नमेंट पॉलिसीज वगैरह को लिख सकते हैं, ठीक है। तो कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये मैं आगे अभी मैं एग्जांपल से बताता हूँ। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ पे अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ, हाँ ये देखिए मैंने बताया ना कि जैसे आपको 3-4 डायग्राम इंक्लूड करने हैं, तो ये देखिए इन्होंने फोल्डिंग का प्रोसेस दिखाया है। माउंटेन से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो इन्होंने बताया कि माउंटेन में फोल्डिंग प्रोसेस के थ्रू माउंटेन बनते हैं और दूसरे आपके फ्लैंक के थ्रू माउंटेन बनते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे होते हैं कि डाइवर्जन के थ्रू बनता है और ये कन्वर्जेंस के थ्रू बनता है। जो हमारा जैसे हिमालयाज है तो वो फोल्ड माउंटेन है, और ये हमारा जो भी क्या नाम है, जो आपने देखा होगा ये जो हमारा ये क्या नाम मालदा गैप है, उसको हम ये वाला बोल सकते हैं जो भी फॉल्ट के थ्रू बनता है, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरा डायग्राम देखिए, इन्होंने लेबलिंग करी है प्रॉपरली, फोल्ड प्रोसेस दिखाया गया। हालांकि ये छोटा डायग्राम है तो इसमें लेबलिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं कर सकती है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये इनका जो पूरा डायग्राम है इसमें इन्होंने देखिए कितने अच्छे से लेबलिंग करी है, ठीक है। ये देखिए बेसिन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बेसिन, तो इन्होंने देखिए कितने अच्छे से बेसिंग करी। यहाँ ये लिखना जरूरी होता है फिगर रिवर बेसिंग इन इंडिया, और ये शेडिंग की जो बात कर रहा था ना, वो ये शेडिंग है, ठीक है। तो इस नर्मदा बेसिन, उन्होंने सारे बेसिन को यहाँ पे दिखा दिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस तरीके से लेबलिंग करना। फिर यहाँ पे ये अलनीलो का प्रोसेस, ये देखिए डायग्राम कितने क्रिस्प तरीके से अलनीलो का एक्सप्लेन करता है, जो कि जो है करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बच्चों को समझ में नहीं आता अलनीलो। तो यहाँ पे ये नॉर्मल प्रोसेस दिखाया गया है और ये अलनीलो वाली कंडीशन दिखाई गई है। तो इस तरीके के डायग्राम जो है आप जो है टॉपर्स की कॉपी से भी देख सकते हैं और एनसीईआरटी से भी देख सकते हैं, जहाँ से ही मिले, और जब भी आपको ईजिली आपको एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि उसको क्या अच्छा लगेगा, तो आप उस तरीके से जो है
इजी वे में जो समझा सकते हैं वैसे डायग्राम नोट डाउन करके उसके नोट्स बना लीजिए, ठीक है। मैं आपको अपने नोट्स भी दिखाऊंगा आने वाले टाइम में, तो वो नोट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब आ जाते हैं, ये मैंने आपको लेबलिंग बताया डायग्राम की किस तरीके से करनी है, कैसे आप तीन चार डायग्राम अगर आपको इंक्लूड करना है तो छोटे छोटे इस तरीके से आप क्रिस्पी फॉर्म में बना सकते हैं, और अगर बड़े इंक्लूड कर रहे हैं लाइक ये जल्दी लो टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो आपके लिए दो डायग्राम ही सफाइस होते हैं। अब ये देखिए ये अब ये देखिए ये इंट्रो का एक एग्जांपल। देखिए इस एक क्वेश्चन था लैंडस्लाइड्स रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें इन्होंने किस तरीके इन्होंने इसमें लैंडस्लाइड की सिंपल एक क्रिस्प डेफिनेशन दिया आपको, एग्जैक्टली जो एनसीईआरटी में लिखा है वो चाहे ना लिखो बट लेकिन एक लैंग्वेज का जो एक तरीका होता है सलीका आपको अच्छी लगनी चाहिए दिखने में। जैसे इन्होंने लिखा है लैंडस्लाइड आर कॉज्ड ड्यू टू द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द अनकंसोलिडेटेड मटेरियल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, लेकिन उन्होंने एक लाइन में लिखा और इनका इंटरव्यू जो इनका जो इंट्रो है वो केवल दो लाइन में सिमट गया अगर हम इसको वर्ड्स के कंटेक्स्ट में देखें, ठीक है। तो इतना ही आपको क्रिस्प इंट्रो लिखना है, आपको इंट्रो पर ध्यान दीजिए। आंसर राइटिंग करते हुए एक चीज़ बोली जाती है कि इफ़ यू डू अ रॉन्ग थिंग 100 times देन यू विल गेट परफेक्ट इन दैट रॉन्ग थिंग। तो आप ऐसा मत कीजिए, आप स्टार्टिंग से अपने माइंड में रखिए कि हाँ आपको जो है इंट्रो में तीन लाइन से ज़्यादा नहीं लिखना है, तभी आप एक अच्छा इंट्रो दे पाएंगे, ठीक है। तो आप इंट्रो में इस तरीके से कर सकते हैं। फिर देखिए बॉडी, बॉडी बहुत जैसे मैंने बताया कि बॉडी में आपको कोर कॉन्सेप्ट डिस्कस करना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन जो था वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि लैंडस्लाइड व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ द लैंडस्लाइड एंड व्हाट आर द एरियाज अफेक्टेड। तो उन्होंने देखिए एरिया अफेक्टेड वालों को कितने अच्छे से दिखाया है, इन्होंने GSI का जिक्र करा है 12% का, इन्होंने ये एरिया बता दिए हैं मैप के थ्रू। यहाँ देखिए इन्होंने पूरी प्रॉपर लेबलिंग करी है, शेडिंग भी करी है, ठीक है। इन्होंने ये डाटाबेस का यूज़ करा है, अरुणाचल प्रदेश इन्होंने बताया है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन बताया था वो बॉडी में इन्होंने इस तरीके से लिखा है कि एरिया अफेक्टेड बाय द लैंडस्लाइड। तो ये फैक्ट आपको इस तरीके से लिखने हैं, ठीक है। फिर देखिए कंक्लूजन, जो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको जो है अपनी जो है रिपोर्ट के थ्रू कंक्लूड करना है। तो ये क्वेश्चन था कि मतलब वेस्टर्न घाट में जो इतना लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है वो EIA उसमें किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो देखिए इन्होंने कंक्लूड करा है जो आपकी कस्तूरी रंजन कमेटी थी और माधव गडगिल कमेटी के थ्रू। तो इन्होंने देखिए कितना अच्छे से लिखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, कि यू नीड टू स्ट्रेंथन दिस एंड कवरेज द ग्रोथ फॉर SDGs। तो इन्होंने तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें डिस्कवर करें। तो इसी तरीके से जो है ना आप जो है ये को देख सकते हैं कि जो जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि जो भी कह रहता है जो आपका अभी क्रस कंक्लूड करते हैं, आपको इंट्रो कैसा रहना चाहिए, बॉडी क्या रहना चाहिए और कंक्लूजन क्या रहना चाहिए। तो इंट्रो मैंने बताया कि 3 lines का होना चाहिए, डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं आप, ठीक है, या किसी फैक्ट के थ्रू स्टार्ट कर सकते हैं। बॉडी आपका जो मेन कंसर्न है, ठीक है, वो स्टार्ट करेंगे और उसमें जो आपका डायग्राम भी आ जाता है, शेडिंग प्रॉपर करनी है, लेबलिंग प्रॉपर करनी है, कंक्लूजन में आप रिपोर्ट्स के थ्रू कंक्लूड करेंगे, कोई रीसेंट एग्रीमेंट है उसके थ्रू कंक्लूड करेंगे या एनवायरनमेंट की कोई ट्रीटी है उसके थ्रू कंक्लूड करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कि आपको जो फिजिकल ज्योग्राफी प्लस ह्यूमन ज्योग्राफी प्लस एनवायरनमेंट और प्लस एग्रीकल्चर ये आपको एक साथ पढ़ना है, ठीक है। इसके बिना जो है आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको इतने अच्छे से इंटीग्रिटी हो जाएगी ना कि आपको लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं होगी आप, और बस पॉइंट्स की प्रायोरिटी रखेंगे, ठीक है। तो ये जो आज ज्योग्राफी का पहला सेशन था, तो मैंने GS1 के पहले सेशन में हमने ज्योग्राफी डिस्कस करा जो कि सबसे टफ पार्ट है, क्योंकि ऐसा होता है कि जो सबसे टफ पार्ट होता है उसको सबसे पहले कवर करना चाहिए, ठीक है। तो और ये हमारा जो है मेंस की अभी आंसर राइटिंग चल रही है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप टेलीग्राम पे मैसेज भेज के ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जितनी भी सीरीज़ आने वाली है वो इसी चैनल पे आने वाली है। अभी हमारा वेबसाइट पे काम चल रहा है तो वेबसाइट के थ्रू भी सारी चीज़ें बनती रहेंगी, ठीक है। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए जितने मटेरियल और अपडेट्स के लिए, ठीक है। और हमारे मेन आंसर राइटिंग प्रोग्राम के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो हम आपको वहाँ पर रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, तो जिससे जो है आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प मिले आंसर राइटिंग लिखने में। कोई भी क्वेरी है तो आप बेझिझक जो है टेलीग्राम चैनल पे बोल पूछ सकते हैं हम लोगों से, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।